हेलो ह्यूमंस व्हाट्सअप। पेशाब या सुसु जैसे वर्ड सुनकर अगर तुम लोग ऑकवर्ड फील करने लगते हो तो शायद इस वीडियो को देखते समय तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ उस अत्यधिक महत्वपूर्ण मानव निर्मित पदार्थ की जिसका नाम है सुसु। विच इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम मानव अपने सुसु का यूज काफी समय से काफी कामों में काफी तरीकों से करते आ रहे हैं। कपड़े धोने से लेकर दांतों को ब्रश करने तक और सुसु में से सोना निकालने की कोशिशों से लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप के एक आदेश के विरोध में अपने 200 गैलन सुसु को इकट्ठा करके एक आर्ट गैलरी में एग्जिबिट करने तक हमने सुसु के साथ में क्रिएटिविटी के नई लेवल्स को टच किया है। एंशियंट रोमन किंगडम में तो सुसु को खरीदा और बेचा भी जाता था और उस पर टैक्स भी लगाया जाता था। तो सोचो कि अगर तुम उस समय रोमन किंगडम में होते तो तुम्हारे मूतने की वजह से तुम्हारे राजा के घर का चूल्हा जल रहा हो, तो दैट्स फैसिनेटिंग ब्रो। लेकिन जितना ज्यादा फैसिनेटिंग आपका यूरिन है, उतना ही फैसिनेटिंग है वो सिस्टम जो ह्यूमन ब्लड में से यूजलेस वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करता है और उस वेस्ट का सुसु की फॉर्म में एक्सक्रीशन कर देता है। एंड दैट फैसिनेटिंग सिस्टम इज ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इमेजिन करो कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें दीपावली के पहले घर की सफाई का ऑर्डर दिया है। घर की सफाई के लिए तुमने घर के सारे सामान को एक जगह पर इकट्ठा किया, उस सामान में से तुमने काम की सारी चीजों को निकाल कर फिर अपनी जगह पर रखा और जो वेस्ट बचा उसको तुमने घर के बाहर रद्दी वाले को दे दिया। एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ योर यूरिनरी सिस्टम वर्क्स। यूरिनरी सिस्टम बॉडी में फ्लो होने वाले ब्लड में से पहले लगभग 20-30% लिक्विड को फिल्टर कर लेता है, फिर उस फिल्टर किए गए लिक्विड में से लगभग 99% इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देता है, और जिन चीजों को वो रीअब्सॉर्ब नहीं करता उनसे वो बना देता है सुसु। एक साधारण आदमी अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7.85 trillion गैलन यूरिन का एक्सक्रीशन करता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/12 ऑफ लेक ईरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इतना सुसु लाते कहां से हो तुम? इतने सारे सुसु को बनाने का काम करते हैं आपकी बॉडी के हार्ड वर्किंग नेचुरल प्यूरिफायर्स द किडनीज। एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में दो किडनीज होती है, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड फिस्ट साइज, कॉनकेव साइड इनवर्ड, कॉन्वेक्स साइड आउटवर्ड। ये दोनों किडनीज एब्डोमिनल कैविटी में पेरिटोनियम की लेयर के पीछे की ओर होती है। शेप और साइज में दोनों किडनीज एक जैसी होती है, लेकिन बॉडी की राइट साइड में लिवर के होने की वजह से राइट किडनी की पोजीशन लेफ्ट किडनी की पोजीशन से थोड़ी नीचे होती है। एक फाइबरस टिश्यू की लेयर किडनीज को बाहर से कवर किए होती है। इस लेयर का नाम होता है रीनल कैप्सूल और इसका काम होता है किडनीज को इन्फेक्शन और इंजरी से बचाना। किडनी के आउटर रीजन को कहा जाता है रीनल कॉर्टेक्स, ये डार्क कलर्ड और ग्रेन्युलर होता है। इसके इनर साइड में होता है रीनल मेडुला जिसमें कुछ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज पिरामिड्स आर नोन एज रीनल पिरामिड और मालपीजियन पिरामिड। सबसे अंदर की ओर होता है फनल की शेप वाला रीनल पेल्विस, ये यूरिन को यूरेटर तक पहुंचाने का रास्ता है। ह्यूमन किडनीज बहुत हार्ड वर्किंग ऑर्गन्स होते हैं, ये ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए लगातार काम करती रहती है, और जब किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से ये काम करना बंद करती है तो उसे रीनल फेल्यूर कहा जाता है। रीनल फेल्यूर के ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को डायलिसिस पे रखा जा सकता है या किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है या इन अंकल के पास ले जाया जा सकता है। वर्षे आजारी आहात आणि आधाराशिवाय तुम्ही चालू शकत नाही, एकट्या चालू शकत नाही, बरोबर? तयार आहात तुम्ही? रेडी आहात? आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओ ओ शिकार आ रा 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 तुम्ही हात बोला टच टच रा 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 ओ शिकार आ रा 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 ओ हो 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 दोन्ही किनीला हात लावा, हात लावा, तुम्ही हात धरा, हा तुमच्या दोन्ही किनीत बरं होत हो 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 शिकार आ रा 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 पुष्पाचा उभ्या रा येशूच्या नावाने, येशूच्या पवित्र नावात तुमच्या दोन्ही किडनीज बऱ्या झालेल्या आहेत। हो चला तुम्ही, चला तुम्ही, चला। The kidney is not a large filter. In fact, it is made up of a large number of micro filtering units
the nephron. A nephron is the basic structural and functional unit of the kidney. Its chief function is to regulate the concentration of water and soluble substances like sodium salts by filtering the blood, reabsorbing what is needed, and excreting the rest as urine. Fun fact! There can be approximately 900,000 to 2.5 million nephrons in a single kidney. That's a lot. Nephron ke do part hote hain, renal corpuscle aur renal tubule. The renal corpuscle consists of a glomerulus and a cup-like Bowman's capsule. Glomerulus kuch nahi hai, sirf choti-choti blood capillaries ka guchha hai jisme blood flow hota rehta hai. Glomerulus mein blood enter karta hai afferent arteriole se aur exit leta hai efferent arteriole se. The Bowman's capsule extends to form a highly coiled tubular structure, the renal tubule. Renal tubule consists of some highly coiled tubules. Proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, collecting duct. In tubules ke ird gird hoti hai capillaries jinhe kaha jata hai peritubular capillaries. Ye capillaries efferent arteriole ki branches hoti hai aur tubules mein se cheezon ke reabsorption aur secretion ka kaam karti hai. So now when we know about the basic structure of our susu maker, let's make susu. ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज से ब्लड फिल्टर होता है बोमेंस कैप्सूल में और इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के समय छलनी का काम करती है कैपिलरीज की वॉल पोडोसाइट लाइनिंग ऑफ कैप्सूल और इन दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दीज आर कंबाइंडली नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर फिल्ट्रेशन के बाद निकलने वाले लिक्विड को कहा जाता है फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट बेसिकली ब्लड प्लाज्मा होता है विदाउट प्रोटीन नॉर्मल कंडीशंस में इस फिल्ट्रेट के कंपोनेंट्स होते हैं ग्लूकोज अमीनो एसिड बाइकार्बोनेट यूरिया क्रिएटिनिन कुछ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोरीन और फास्फोरस जैसे आयन और बहुत सारा वाटर रीनल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के बाद फिल्ट्रेट नेफ्रॉन में आगे बढ़ता है और बोमेंस कैप्सूल से निकलकर पहुंचता है रीनल ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल फर्स्ट पोर्शन है रीनल ट्यूब्यूल का यहाँ पर पोटेशियम सोडियम और क्लोराइड आयन का लगभग 65% वाटर का 90% बाइकार्बोनेट का और लगभग 100% अमीनो एसिड और ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन कर लिया जाता है रीअब्सॉर्प्शन के साथ ही पेरिट्यूबुलर कैविटी के द्वारा यूरिक एसिड कुछ ऑर्गेनिक एसिड और कुछ एंटीबायोटिक्स का नेफ्रॉन में सिक्रीशन कर दिया जाता है PCT से निकलकर फिल्ट्रेट आ जाता है एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर में जिसे डिस्कवर किया था फ्रेडरिक गुस्ताव जैकब हेनले जी ने और इन्हीं अंकल जी के नाम पर इसे कहा जाता है लूप ऑफ हेनले इस लूप के दो लिम्स होते हैं और इनमें फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने का काम किया जाता है डिसेंडिंग लिम में वाटर का और असेंडिंग लिम में NaCl का रीअब्सॉर्प्शन कर लिया जाता है इसके बाद बचता है एक फ्लूइड जिसमें यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है रीनल ट्यूब्यूल में नेक्स्ट पार्ट होता है डीसीटी या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पर फिल्ट्रेट में से 5% NaCl आयंस और थोड़े वाटर मॉलिक्यूल्स का रीअब्सॉर्प्शन किया जाता है और पेरिट्यूब्यूलर कैविटी में से कुछ K+ और H+ आयंस का सिक्रीशन हो जाता है तो डीसीटी में फिल्ट्रेट लगभग यूरिन बनकर तैयार है और इस यूरिन को कलेक्ट करने का काम करती है कलेक्टिंग डस्ट कलेक्टिंग डस्ट यूरिन को फॉरवर्ड करती है माइनर कैलिक्स में 2 से 4 माइनर कैलिसेस मिलकर यूरिन को पहुंचाते हैं मेजर कैलिक्स में और सारे मेजर कैलिसेस आकर मिलते हैं किडनी के फनल शेप्ड पेल्विस में द यूरिन रिसीव्ड इन रीनल पेल्विस प्रोसीड्स फॉर ब्लैडर थ्रू यूरेटर यूरेटर बॉडी की लेफ्ट और राइट साइड में वर्टिब्रल कॉलम के पैरेलल मिलने वाली 10 से 12 इंचेस लंबी ट्यूब्स हैं दीज नैरो ट्यूब्स कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर और किडनीज से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को ट्रांसफर करने के लिए यूरेटर्स में होती है एक मस्त वाली प्रोसेस द पेरिस्टाल्सिस Peristalsis is a really cool process because it works against gravity. इसका मतलब है कि अगर तुम बैटमैन वाले पोज में उल्टा भी लटके हो तब भी सुसु यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में ही जाएगा बैटमैन वाली पोज में सुसु करोगे कैसे ये मुझे नहीं पता तो किडनी से निकलकर यूरेटर से होता हुआ यूरिन फाइनली पहुंचता है एक हॉलो फ्लेक्सिबल ट्रायंगल शेप सैक लाइक ऑर्गन में जिसे कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर फन फैक्ट द यूरिनरी ब्लैडर इज एज लार्ज एज योर ब्रेन व्हिच इज फनी बिकॉज यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड विद यूरिन एंड योर ब्रेन इज फुल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है सही जगह और सही समय मिलने तक यूरिन को स्टोर करना यूरिनरी ब्लैडर के बाद होता है यूरिथ्रा यूरिथ्रा इज जस्ट अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी मेल्स में यूरिथ्रा होता है लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा और फीमेल्स में इसकी लंबाई होती है 4.5 से 5 सेंटीमीटर यूरिथ्रा पासेस थ्रू पीनस इन मेल्स एंड कनेक्ट्स टू द यूरिनरी मीटर्स इन फीमेल्स वैसे तो यूरिनरी ब्लैडर की मैक्सिमम यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी है 1 लीटर लेकिन जैसे ही 250 से 300 मिलीलीटर यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है आपका ब्लैडर आपके ब्रेन को बोलता है
फिर आपका ब्रेन आपके ब्लैडर को बोलता है और फिर संजू बाबा आकर बोलते हैं, तूने झाड़ के नीचे मूता, मैं वही सो रहा था, तूने मेरे सर पे मूता। तो जब आप झाड़ी के पीछे होते हो या यू कहें कि यूरिनेशन की प्रोसेस के लिए रेडी होते हो, उस समय आपके ब्रेन से सिग्नल रिसीव करके यूरिनरी ब्लैडर अपने अंदर के यूरिन को स्क्वीज आउट करता है। एट द सेम टाइम द स्फिंक्टर मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर आल्सो रिलैक्सेस और इस वजह से सुसु का यूरिनरी ब्लैडर से निकलकर यूरिथ्रा से होते हुए बॉडी के बाहर एक्सक्रीशन हो जाता है। That's all about the urinary system. Thank you for watching this video. Also, thanks to everyone who helped make this video. Thanks to my mom for cooking some terrible food. If you guys are having any ideas or suggestions for my future topics, please drop them in the comment section down below. Also, we can hang out on Facebook, Twitter, Instagram, and Google+. Okay, bye.